तो पहचान तो गए हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। हमारे बगल में हमारे भाई बैठे हैं सत्येंद्र सिंह भैया, जो पर्यावरण के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, और इनने एक पुस्तक लिखी है भारत में स्वच्छता एवं पर्यावरण के मायने, बहुत मायने रखते हैं। ये अभी नहीं पता चल रहा, ये पता चलेगा 20 साल बाद जब सांस की नली लगाए घूमेगा आदमी। ये आर्ट कंपटीशन भी कराते हैं, तो पर्यावरण को दिमाग में रख के कराते हैं। ये नहीं कि पन्ना दिया, आर्ट कंपटीशन हुआ, पन्ना कहा के धर दिया गया, लिफाफा बना, नालीन चला। ये बाकायदे जूट के वो कपड़े के झोले देते हैं बच्चों, उसमें बनवाते हैं, जो आदमी ले के चलता है, जिससे पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करता है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी ये पुस्तक भैया कहाँ मिलेगी बताइए आप जरा। ये अमेजोन पे भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सभी जगह उपलब्ध है पुस्तक, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, इसको जरूर खरीदिए। कम से कम कुछ सहयोग न करो पर्यावरण के लिए, इतना तो कर ही दोगे। एक का पढ़ो, हो सकता है एक पेड़ लगा दो, हो सकता है पॉलीथीन इस्तेमाल करब बंद कर दो, हो सकता है घर के बाहर कचरा फेंकअप खत्म कर दो, कोई पेड़ कट रहा हो, कोई का रोको जाके एक पेड़ काटे में 20 मिनट लगा थे, तो एक पेड़ उगाए में तैयार करे में 20 साल लगा थे। तो सत्येंद्र भैया का साथ दो, ये कुछ मांग नहीं रहे आपसे, केवल साथ मांग रहे हैं। इनका साथ दो, इनके साथ जुटो, हम आज से जुड़ गए इनके साथ, आपो जुड़ो, ये किताब खरीदो, पढ़ो। पहचान तो गई, अनुभव बोल रहे हैं कानपुर।